लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के शुभारंभ का एक बड़ा कार्यक्रम बैठमा के एक निजी स्कूल में नगर परिषद अध्यक्ष के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया, जिसमें नगर की 1200 लाभान्वित बालिकाओं को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बालिकाओं के पैर पूजन के साथ की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना ने समाज की सोच बदल दी है। अब बेटा और बेटी में अंतर की सोच समाप्त हो रही है। बैठमा की 1200 बालिकाओं को योजनाओं का लाभ मिला है। रविवार से प्रारंभ हुई लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लाल परेड ग्राउंड का लाइव टेलीकास्ट किया गया। कार्यक्रम में नगर की विभिन्न क्षेत्र में विशेष योग्यता वाली बालिकाओं को भी सम्मानित किया गया। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। परियोजना अधिकारी ममता चौधरी देवपालपुर क्रमांक 1 से आज नगर परिषद बैठमा में लाडली महोत्सव अंतर्गत जो भोपाल में लाल परेड ग्राउंड से माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रोग्राम का आयोजन हुआ, उसका लाइव टेलीकास्ट था। साथ में हमने यहां नगर परिषद क्षेत्र की सभी 1200 बालिकाओं को बुलाया, उनका स्वागत सत्कार करके मुख्य अतिथि की अध्यक्षता में बालिकाओं को सम्मानित किया तथा ऐसे बालिकाएँ जिनने योजनाओं का लाभ लिया है उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सभी को प्रसारण के रूप में सुनाया। उसमें लाडली 2.0 का आज से उन्होंने नई ओपनिंग की है, जिसमें आज तक जो लाडली लक्ष्मी हमारी 2007 से चलती आ रही उसमें स्कॉलरशिप 6th, 9th, 11th और 12th में दी जाती थी। अब वो स्कॉलरशिप 25,000 रुपये बालिका यदि कॉलेज में प्रवेश करती है तो उस दौरान भी उसे 2 किस्त में दी जाएंगी। ये आज से नया इनॉग्रेशन था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।